तर आपल्याच गावच्या इथे भेटले मला. तुमचं नाव काय? दहे. तर याची बोलणे बोल. राजपुतला करके जगह है जहाँ पे मैं रुका हूँ. और फर्स्ट पार्ट जिसे आपने देखा कल, मैं महाराष्ट्र से गुजरात आया और सोलो राइड करके आया, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. सो अभी सुबह के 7 बज गए, तो मैं यहाँ से निकलूँगा टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो एक काम करते, जल्दी जल्दी पैक करते, बाइक पे मिलते, फिर उसके आगे कैसा है क्या है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सबसे पहले दे देता हूँ. तो यहाँ पे राजपिपला करके जगह है, यहाँ से सीधा जाना है, एकदम सीधा है, कहाँ पे भी नहीं. तो चलो जल्दी जल्दी, 7 बज गए ऑलरेडी, 8 बजे का एंट्री है, तो निकलते, बाइक पे मिलते. चलो चलो गणपति अप्पा मोरया. तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज गए और ये जो एरिया है, ये राजपिपला करके एरिया आता है, ठीक ठाक है. यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिलेंगे आपको. अगर बेसिकली अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम मुंबई आउट ऑफ द स्टेट समवेयर, सो आप लोग आपका प्लान कैसे कर सकते हो, आप लोग राजपिपला में स्टे कर सकते हो होटल लेके, और फिर नेक्स्ट डे सुबह विजिट कर सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए. सो यस, मेरा भी ऐसी कुछ प्लान था. सो मुंबई से मैं आया कल और 3 बजे मैं पहुँचा. 9 आवर्स लगे मेरे को बाय रोड फ्रॉम मुंबई. और अभी सुबह के 7 बज गए और मैं निकल गया हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर. तो ये राजपिपला से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इट्स अराउंड 30 मिनट्स ऑफ रोड. और यहाँ से आपको जाना होता है भारत भवन, जहाँ पे आपको आपकी कार या फिर आपकी बाइक आपको पार्क करने मिलेगी, और फिर वहाँ से ही आपको बस सर्विस भी मिलता है जो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अदर अट्रैक्शंस की ओर इजीली लेके जाएगा. अभी क्या करते हैं, अभी सीधा भारत भवन पहुँचते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का व्लॉग शुरू करते हैं. आगे मिलते हैं सीधा अभी पार्किंग एरिया में. चलो फूड एंड ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, भारत भवन पहुँच गए. यस, तो फाइनली पहुंच गए यहाँ पे. सबसे पहले तो लॉकर रूम देखना है. वो बीच वाला बैग चाहिए तो ना नीचे रख दो. तो यहाँ पे आप लोग पार्किंग कर सकते हैं. पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं है, राइट? ओके ओके, रख दोगे ना आप? ओके चलो, थैंक यू. तो चलो अपना सब हो गया, टोकन मिलता है यहाँ पे पार्किंग करने के बाद अपना, सॉरी लॉकर रूम के लिए. और फिर यहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन दिया बस में, 4 नंबर गेट तक आपको वॉकिंग जाना पड़ता है. बारिश स्टार्ट हो गई है, कुछ नहीं कर सकते, वॉकिंग जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी. तो एक काम करते, आपको अंदर जाने के बाद दिखा देता हूँ फटाफट. चलो, सो ये यहाँ पे गेट नंबर 4 है, यहाँ पे आपको आना है. जैसे आप बस ड्रॉप करता है आपको गेट नंबर 4 पे आना है, और जहाँ पे बस आपको ड्रॉप करता है वहाँ पे ही आपको फिर से बाहर जाने के लिए वहाँ पे बस मिलेगा. चलो यहाँ पे टिकट चेक होता है बेसिकली आपका, और फिर गेट नंबर 4 से आपको एंट्री मिलता है अंदर. कुछ लोग मिले हैं केरला से, लद्दाख जा रहे हैं 45 डेज़ का ट्रिप पे वो लोग का. बट एक है, यहाँ पे बारिश ने आज थोड़ा सा मूड ख़राब किया है, बारिश है इसके लिए बाहर से कुछ फोटोग्राफी कर नहीं पा रहा हूँ. नहीं तो यहाँ पे ही अपना व्यू है आगे, बट बहुत सही है, बहुत सही है. चलो आगे जाते हैं, आगे दिखा देता हूँ क्या है कैसा है एंट्री. अभी तो ये जो है पाथवे है स्टैचू तक जाने का रोड है.
सो फाइनली आफ्टर सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है और यहाँ पे पहुँच गए। ये जो मेन है बहुत ही सही है, बहुत ही यूज है। तो चलो आगे आगे चलते हैं क्योंकि अपना व्यूइंग गैलरी का टिकट लिया है, तो वो जो टॉप है वहाँ तक जाना है। बाय द वे अभी बारिश तो चल रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग देख लो बहुत सही है, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे चल के मस्त में, क्लाइमेट भी अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है। सर तिथून वरती जायचं ना, उधर से ऊपर जाना है ना, जो व्यूइंग गॅलरी मराठी का तुम्ही? हा, तुम्ही इकडे कधी मग गुजरातमध्ये पोस्टिंग? तुम्ही बरोबर अंदाज काढला, तुम्ही काहीतरी बोलले आणि मी समजलं ना, काहीच नाही बोललं, नाही बोलले का? मग असं मला वाटलं की मराठीत बोलावं। ठीक आहे, इथून जायचं ना। तर आपल्याच गावचे इथे भेटले मला, तुमचं नाव काय? दहे। दहे, तर ऐसी बोलने बोलने में अचानक निकल गया और आपने मराठी निकाले पुणे एरिया चे, तो खूब लांबून भेटले सर। हो, शिरापूर ना, श्रीरामपूर चे आहेत। तर चला येतो भेटतो आम्ही जातानी, ठीक आहे चला। तो बेसिकली यहाँ पे ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एरिया है, आप लोग, मैं हर एक चीज़ नहीं बता पाऊँगा पर आप लोग आके यहाँ पे एक एक चीज़ देख सकते हो, सो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यस, अभी यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और व्यूइंग गैलरी में जाते हैं ऊपर, चलो। तो अभी एग्जिट हुए, ऊपर से आए नीचे से, लिफ्ट बहुत ख़तरनाक है, इतना फास्ट है, मतलब वो फील होता है जब भी ऊपर जाती है और नीचे आती है ना, तभी वो फील होता है लिफ्ट, बट बहुत सही है। तो चलो निकलते हैं, अभी एक्सप्लोर करके हो गए यहाँ पे, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें दिखा दिया है, व्यूइंग गैलरी भी दिखा दिया है बहुत हाइट पे, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लाइक कितने हाइट का है, कितना, किसने बनाया, कभी बनाया, ये सब तो आपको पता ही रहेगा बेसिकली। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, तो थोड़ा सा बाहर का साइट सीइंग दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बाहर से देखने का मज़ा ही अलग है। एस्केलेटर सर्विस है ऊपर जाने के लिए, नीचे तो ये यहाँ पे आ गए, एस्केलेटर सर्विस है और फिर यहाँ से जो व्यू दिखता है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी निकलते हैं ऐसे, एक्सप्लोर करके हो गया, स्टैचू भी एक्सप्लोर करके हो गया, और भीड़ भी अभी बहुत आ रहा है।
जैसे देख रहे, तो ज़्यादा क्राउड में रहना नहीं है इसके लिए। अभी एक काम करते, यहाँ से निकलते, आगे आ रहे हो तो सबसे पहले स्टैचू घूमो ऊपर, फिर बाद में अंदर जाना। क्यों? क्योंकि अंदर एसी है, बाहर घूमने के बाद पसीना पसीना हो जाओगे, थक जाओगे, तो अंदर जाके व्यूइंग गैलरी देखना बाद में, ताकि एसी में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़े। एनीवेज चलो फिर निकलते। होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस, और जो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मेन चीज़ है कि यहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं कुछ दिया नहीं, क्योंकि वो सब आपको पता है। यस, इतना ही तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो चलो निकलते हैं, फिर मिलते हैं सीधा बाइक पे आगे। और हाँ, यहाँ पे तक देख रहे हो तो थर्ड पार्ट भी देखना, क्योंकि यहाँ से मुंबई का जर्नी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, जो कि 9 आवर्स का जर्नी लगेगा मुझे। तो चलो मिलते सीधा बाइक पे अभी नेक्स्ट पार्ट में।